वेलकम बैक गाइस। सो एम टू बी पोकेमोन मास्टर का एपिसोड टी आ चुका है और हमें इसमें एश, पिकाचू, मिस्टी, ब्रॉक और साइलेंट देखने को मिले, जहाँ पे हैत्री ने ब्रॉक और हमारे हीरोज को बहुत परेशान किया अपने साइकिंग पावर से। और हमें इस एपिसोड में एश का एक भी ओल्ड पोकेमोन देखने को नहीं मिला। तो ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दो। लेट्स स्टार्ट। सो स्टार्टिंग में हमें एश और मिस्टी दिखाए जाते हैं, जहाँ पे हमारे हीरोज एश और पिकाचू को बहुत भूख लग जाती है और उन लोग एक रेस्टोरेंट में चले जाते हैं और स्नैक्स खाते हैं। और एश और मिस्टी को ये स्नैक्स का टेस्ट जाना पहचाना लग रहा था। और तभी हमारे हीरोज ब्रॉक से मिलते हैं और ब्रॉक के साथ बातें करते हैं। और तभी उस लड़की ने ब्रॉक को एक बहुत बड़ा झटका दे दिया और हमारा ब्रॉक एक बार फिर फेल हो गया अपने लव में। और फिर हमारे हीरोज साइलेंट से मिलते हैं और फिर एश साइलेंट को ब्रॉक के बारे में बताता है, जहाँ पे साइलेंट बताता है कि साइलेंट और ब्रॉक एक दूसरे को जानते हैं और उन्होंने एश का फाइनल बैटल एक साथ देखा था। और फिर हमारे हीरो ब्रॉक को एक ब्यूटीफुल प्लेस पे लेके जाते हैं और तभी हैत्री ब्रॉक को अपने साइकिक पावर से इल्यूजन दिखाती है और ब्रॉक एक जंगल में चला जाता है। और हमारे हीरो भी ब्रॉक को ढूंढने के लिए चले जाते हैं और टीम रॉकेट भी उनके पीछे पीछे चली जाती है। और फिर डिटेक्टिव साइलेंट हमें देखने को मिलता है और फिर उन्हें एक पोकेमोन मिलता है जो कि हैत्री का प्री इवोल्यूशन हैटेना था। और ये हमारे हीरोज की हेल्प करेगा ब्रॉक को ढूंढने में। और यहाँ पे हैत्री अपने साइकिक पावर से ब्रॉक के साथ मस्ती कर रही थी और फिर उनको टीम पोकेमोन देखने को मिलता है जो कि उनके ऊपर हमला कर देता है, पर हमारे हीरो उससे बच जाते हैं। बट आगे जाके उनको बहुत भूख लग जाती है और मिस्टी एक बार फिर बग टाइप पोकेमोन से डर जाती है पहले की तरह। और फिर हमारे हीरो आगे बढ़ते हैं, पर इतने में ही हैत्री अपने साइकिक पावर से इल्यूजन क्रिएट कर देती है, जहाँ पे ऐश को उसकी मॉम उसके लिए स्नैक्स लेके खड़ी हुई दिखाई देती है। और ऐश अपने मॉम के पास जाता है और उसके पीछे पीछे चला जाता है। और मिस्टी को भी बहुत सारे वाटर टाइप पोकेमोन दिखाई देते हैं और वो भी उनके पीछे पीछे चली जाती है। और को सबे बॉस इंगो और इमेज दिखाई देते और वो भी उनके पीछे पीछे चला जाता है। और एश, मिस्टी, साइलेंट जंगल के बाहर आ जाते हैं और पिकाचू अपने थंडर बोल्ट से तीनों को होश में लाता है। और फिर हमारे हीरोज ब्रॉक को ढूंढते हैं, जहाँ पे हैत्री अपने इल्यूजन से ब्रॉक के साथ मस्ती कर रही थी और हैत्री और पिकाचू उनको बताते हैं कि ब्रॉक कौन सा इल्यूजन देख रहा है। और फिर हमारे हीरोज और हैत्री और ब्रॉक के बीच में फाइट होती है, जहाँ पे हमें ब्रॉक का स्टेलेक्स और साइलेंट का पैंसेज देखने को मिला। और हैत्री एश और हैत्री के ऊपर अटैक कर रही थी, जहाँ पे इल्यूजन कम हो जाता है और ब्रॉक को एश दिखने लग जाता है और इल्यूजन खत्म हो जाता है। और हैत्री एश को बचा लेता है हैत्री के अटैक से और फिर ब्रॉक हैत्री का ट्रीटमेंट करता है और एश हैत्री को रोक देता है। और फिर हमें लाटियस देखने को मिलता है जो कि अभी भी एश को फॉलो कर रही है। और फिर होता है फेयरवेल, हमारे हीरो साइलेंट को गुड बाय करते है और हमारा उजी टीम एक बार फिर से एक साथ आ जाता है। और लास्ट में टीम रॉकेट भी हैत्री के इल्यूजन में फंस जाती है और एपिसोड एंड हो जाता है। तो बात करें इस एपिसोड की, तो मैं इसे रेटिंग दूंगा 10/7 क्योंकि इसमें हमें एश के ओल्ड पोकेमोन देखने को नहीं मिले और साइलेंट का पैंसेज ही हमें देखने को मिला, पर साइलेंट के बाकी पोकेमोन हमें देखने को नहीं मिले, पर हमें बहुत सारे रेफरेंस देखने को मिले। तो हाँ, हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में।